मित्रों नमस्कार, स्वागत बंदगी। आज मैं आपको लौकी जूस निकालने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। लौकी का जूस हमारे शरीर, दिलों, दिमाग के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हर प्रकार से हमें स्वस्थ रखने के लिए रामबाण है। हमारे संतों, ऋषि, मुनियों ने कहा है, प्रथम सुख निरोगी काया। लौकी का जूस हाई बीपी, मोटापा, दांत, खाज, खुजली आदि को दूर कर शरीर को सुंदर और चमकीला बनाता है। हाँ, जीवन में कभी कड़वी लौकी मिल जाए तो उसका जूस नहीं पीना है। हर कड़वी चीज फायदेमंद नहीं होती है, तो आइए मैं आपको लौकी जूस निकालने का सरल उपाय बताता हूँ। ये देखिए, हमारे पास लौकी और हम इसको पहले छील लें। घसने के लिए हमारे पास ये महीन छेद वाला कद्दूकस है और दूसरा ये बड़ा छेद वाला कद्दूकस है। तो आइए हम इस महीन छेद वाले कद्दूकस से घसते हैं। पकड़ने में बड़ी है तो हम इसको दो टुकड़े कर लेते हैं। ये हमारी लौकी अब घिस गई। कितना आसान है घिसना। ये हमारे पास इतना बड़ा नैनूम का महीन छेद वाला कपड़ा है। आपके पास ऐसे कपड़ा ना हो तो आप कोई भी नया कपड़े से निकाल सकते हैं। टेरी काट हो, चाहे सूती हो, काटन, आप उससे भी आराम से निकाल सकते हैं। ये देखिए, अपने आप जूस निकल रहा है। थोड़ा सा दबाना पड़ता है। मेहनत का फल बड़ा ही मीठा होता है। इसमें ना मिक्सर की जरूरत, ना बिजली की जरूरत। मिक्सर से निकाला हुआ जूस गर्म हो जाता है। ये बिल्कुल ठंडा, नेचुरल, अपना हाथ से गारा हुआ। देखिए, ये घसी हुई लौकी है, इसको फेंकना नहीं है। कोई भी सब्जी पकाएं, आप उसमें डाल दें, सब्जी बहुत ही अच्छी बनेगी, अच्छी लगेगी। इसकी पकौड़ी बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी लगती है। बस इसमें आप नमक, बेसन और अपने पसंद के अनुसार और चीज डाल लिए, फिर इसकी पकौड़ी बनाइए। बनाकर देखिए, खाकर देखिए कितनी स्वादिष्ट पकौड़ी बनती है।
देखिए, एक गिलास जूस निकल आया है, तो ये हमारा जूस तैयार। एक स्वाद में फीका है, आप इसमें थोड़ा से सेंधा नमक, सेंधा नमक नहीं है तो कोई बात नहीं, जो आप रोज खाते हैं सादा नमक ही डाल लीजिए। नमक नहीं डालेंगे तो कोई बात नहीं, हम नमक की आदि हैं इसलिए हमें नमक की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो ऐसे ही आप पीजिए, पीते पीते आपको बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। तो मित्रों, आज इतना ही, नमस्कार।